एक्सेलसियर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रितेश गुप्ता। दर्शकों, 22 सितंबर की बात करें तो 22 सितंबर जो है हिस्टोरिकल डे होने जा रहा है, क्योंकि एयर शो का जो है आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हर कोई जो है यहां पर विटनेस बन सकता है और लाइव शो का एक्सपीरियंस जो है वो गेन कर सकता है। मैम, बहुत बहुत स्वागत आपका एक्सेलसियर न्यूज में। जो एयर शो होने वाला है, इसके बारे में थोड़ा सा। जी जी, ये एयर शो जो है वो J&K गवर्नमेंट का और इंडियन एयरफोर्स का एक एंडेवर है, जिसमें कि एक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक स्पेक्टेकुलर एयर शो जो है वो होने जा रहा है 22 सितंबर को सुबह 9 से लेकर 11 बजे तक। और सभी पब्लिक को एक ओपन इनवाइट है, और मैं ये कहूँगी कि पीर बाबा साइड से जो फ्री एंट्री है उसको आप अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। और ये इतना हाई लेवल का, जिसमें कि मैं ये कहूँगी एयर वॉरियर ड्रिल टीम्स जो हैं वो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस जो हैं वो बताएंगी। उसके अलावा पैरा जंपिंग, हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस, फिर उसके बाद सूर्य किरण के जो एरोबेटिक्स टीम है वो यहाँ पे है। तो एक अपने आप में ही एक यूनिक सा एक इवेंट है, जो कि स्काई टूरिज्म को भी जिसको हम एक रेफर कर सकते हैं, और एक मौका है, क्योंकि डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज्म जम्मू के साथ सभी लोग जुड़े रहते हैं हमारी इवेंट्स के लिए। तो ये सबसे बड़ा इवेंट मैं मानती हूँ, और मैं ये कहूँगी कि जो बाहर से भी लोग आए हुए हैं टीम्स में भी, उनको भी जम्मू के टूरिज्म के पोटेंशियल की शोकेसिंग थ्रू आर पब्लिसिटी मटेरियल की जाएगी, और उसके साथ साथ जो हमारे लोग हैं उनको भी एक जानकारी मिल सकती है। और एयर अवेयरनेस कैंपेन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इस एयर शो का, कि किस तरीके से जो SOPs हैं इसके होते हैं, और हमारे जो बच्चे और जो यंगस्टर्स देखेंगे दे कैन डेफिनेटली ड्रीम कि वो एक इसको अपना करियर बनाएं। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जम्मू के लोगों के लिए। तो मैम, आपको लगता है कि जिस तरह से डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म की बात करें, कई इवेंट जो है इन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं, तो ये हिस्टोरिकल इवेंट होने जा रहा है? जी जी, हिस्टोरिकल इवेंट। यस, ये एक बहुत हिस्टोरिकल इवेंट है, और मैं ये कहूँगी कि ये एक शुरुआत है इस तरीके के हाई लेवल के इवेंट्स, और मैं ये कहूँगी कि जम्मू में ये होने जा रहा है, ये सबके लिए एक उत्सव का माहौल भी है, और सबको इसमें आना चाहिए, और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे तो एक डेफिनेटली डिफरेंट। क्या किसी भी तरह का कोई चैलेंज भी है? देखिए, हमारी जो टीम्स हैं, स्पेशलाइज टीम्स हैं, वो एयरफोर्स ने अपने SOPs जो हैं वो बराबर रखे हैं, तो दे आर वर्किंग ऑन इट। बट मैं ये कहूँगी कि सबका आना बहुत ज़रूरी है, सबको आके इस स्पेक्टेकुलर शो को देखना चाहिए, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो लाइव स्ट्रीमिंग जम्मू टूरिज्म के हैंडल से की जा रही है, मेरा आप सबसे यही निवेदन है कि जो जम्मू टूरिज्म के जो फेसबुक का हैंडल है, जैसे जम्मू टूरिज्म ऑफिशियल के नाम से है @JammuTourismOfficial, उसी के साथ साथ इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब का है @JammuTourism, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो सर्कुलेट करें, ताकि ऑल ओवर इंडिया लोग हमारे इस हैंडल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और जितनी हमारी बाकी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की डिटेल्स होती हैं उनकी भी जानकारी लें, जिससे कि हमारा टूरिस्ट फुटफॉल जो है वो आने वाले टाइम में और बढ़ सकता है। इंडियन एयरफोर्स की टीम जो है सब हमारे साथ है, और जो एयर शो यहाँ पर होने जा रहा है उसके बारे में विस्तार से जानकारी। मैम, आपका इंट्रोडक्शन। गुड इवनिंग, आई एम फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल संधू, आई एम अ मेंबर ऑफ द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम। ये टीम परफॉर्म करेगी 22 सितंबर को एयरफोर्स स्टेशन जम्मू में। हमारे परफॉर्म करने का उद्देश्य ये है, एयर अवेयरनेस कैंपेन का भाग होना। ये ऑर्गेनाइज़ किया है भारतीय वायुसेना ने और J&K गवर्नमेंट ने साथ में मिलकर, जो कि जम्मू में ऐसा पहली बार हो रहा है। और हमारा उद्देश्य ये रहेगा, भारत के युवा को ये मैसेज पहुंचाना कि डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन करें और देश की सेवा में हमारा हाथ बटाएं। जम्मू वासियों को क्या क्या जो है देखने को मिलेगा? जम्मू वासियों के लिए दिन बहुत खास रहेगा, क्योंकि उनको देखने को मिलेंगे इंडियन एयरफोर्स के विभिन्न भाग, जैसे कि आकाश गंगा जो हमारी स्काई डाइविंग टीम है, आप देख पाएंगे हमारे एयर वॉरियर्स को आकाश की बहुत ऊंची ऊंचाइयों से स्काई डाइविंग करते हुए। फिर आप देख पाएंगे हमारे गरुड़ कमांडोज जो होते हैं, उनका भी एक स्लिदरिंग प्रदर्शन आप देख पाएंगे। आप देख पाएंगे हमारे हेलीकॉप्टर्स को, Mi-17 1V जो हमारे हेलीकॉप्टर्स हैं उनका भी एक डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा। और इसके अतिरिक्त हमारी एयर वॉरियर ड्रिल टीम, जो कि आपको इंडियन एयरफोर्स का डिसिप्लिन और प्रेसिशन का प्रदर्शन देगी। इसके अलावा सूर्य किरण एरोबैटिक टीम भी परफॉर्म कर रही होगी इस दिन, जो कि एशिया की इकलौती 9 एयरक्राफ्ट एरोबैटिक टीम है, ये भी आपके सामने परफॉर्म करके आपका दिल दहलाएगी। जिस तरह से ये परफॉर्मेंस होने वाली है, तो किन किन बारीकियों का जो है विशेष ध्यान रखा गया है? सबसे पहले तो आज के दिन में हमारी टीम ने एक मैपिंग सॉर्टी की है। मैपिंग सॉर्टी मतलब कि हमने देखा है किस ऑब्स्टिकल पे, कितनी ऊंचाई पे उड़ान भरनी है, और किस तरह से हम बिल्कुल हमारे ऑडियंस की नज़र में आ पाएँ, ये सब हमने मद्देनज़र रखते हुए, पूरी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए, ना ही हमारी ऑडियंस की भी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए आज का हमने पूरा दिन बिताया है प्रेपरेशन में। और डेफिनेटली ये शो पूरी तरह से सेफ रहेगा ऑडियंस के लिए और एज वेल एज फॉर दी पायलट्स। इस तरह के इवेंट पहले किन
किन राज्यों में परफॉर्म कर चुके हैं? ये टीम अपने जब से इनकी स्थापना हुई है 1996 से पूरे भारत के बहुत अलग अलग पूरे भारत को ही कवर कर चुके हैं, और इससे जस्ट पहले हमने अपना पहला शो किया है जयपुर में, जो कि हमारे इस सीज़न का पहला शो था। जयपुर के सीधा बाद अब हम जम्मू आ गए हैं, उसके बाद हमारा नेक्स्ट शो होगा भोपाल में, और उसके बाद हम अपने एयरफोर्स डे परेड का भी भाग बनेंगे। तो अगले 6 महीने हम पूरे भारत में घूमते हुए युवा को ये मैसेज हमारा दूर दूर तक पहुंचाना चाहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करें और हमारे साथ बटाएं। 22 सितंबर को जम्मू वासियों के लिए जो है हिस्टोरिकल मोमेंट है, जब एयरफोर्स की टीम जो है आकाश में अपने कर्तव्य करती हुई नजर आएगी और आप सब जो है उसके आई विटनेस बन सकते हैं। पूरी जम्मू की जनता को जो है इन्वाइट किया जा रहा है कि इस हिस्टोरिकल मोमेंट का वो भी हिस्सा बने। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत, और आप देखते रहें एक्सेलशन न्यूज।